अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उसने दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर डेली आपको ब्लॉगर की एक न एक स्क्रिप्ट देता हूं, ठीक है, जिससे आप कोई ना कोई टूल होता है या किस तरह की वेबसाइट आप ब्लॉगर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम बात करने वाले हैं एक स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि आप मतलब एक टूल समझ लें, जिस टूल की मदद से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल बना सकते हैं ब्लॉगर में, और बिल्कुल फ्री में आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको टूल दिखा देता हूँ, ये वाला टूल है। तो इस तरह का टूल हम आज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ वेबसाइट का, मैं आपको टूल टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद URL है, तो URL पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद यहाँ पर email ID है, तो email ID कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास email ID है तो वो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक email ID भी डाल देता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, जनरेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखें तो आपको एक कोड मिल गया, यहाँ से कॉपी कोड्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कोड कॉपी हो गए, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ब्लॉगर में। यहाँ पर मैं पेजेस में आता हूँ, तो पेजेस में आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि न्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं टाइटल इसका दे देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो कंटेंट है, कंटेंट में मैं क्या करता हूँ इसको HTML व्यू में ले जाता हूँ। HTML व्यू में लेने के बाद यहाँ पर जो पहले वाला कोड है इसको डिलीट करके मैं जो कोड मिला है वहाँ से उसको मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जाते हैं हम इसके दूसरे कंपोज व्यू में, तो यहाँ पे आप ये देखें कि प्राइवेसी पॉलिसी फॉर रनिंग हैक्स, एंड यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हमारे URL भी आ चुका है वेबसाइट का। उसके बाद जो वाला मैंने ईमेल वहाँ पे डाला है, वो वाला ईमेल भी यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे लिंक्स वगैरह जो कि गूगल की तरफ से होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मतलब कि आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड, आप सब लोग को पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज एक ऐसा पेज है जो कि एडसेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी पेज होता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, और आपको पता होगा कि इस तरह की वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो इसी तरह की वेबसाइट आज हम बनाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस तरह का टूल आप ब्लॉगर में बनाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखना है, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं जी ब्लॉगर में। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पहुंच जाना है, और वहां से जाके आपने कर लेना है इसको डाउनलोड। तो अभी मैंने यहां पे पेज को कर दिया है पब्लिश, तो अभी पेज में हम जाने वाले नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे जी। तो न्यू ब्लॉग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ जी प्राइवेसी, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एड्रेस इसका मैं कुछ भी रख देता हूँ, तो एड्रेस क्योंकि आपको पता है इतनी आसानी से कुछ ख़ास नहीं मिलता, .com इसमें आएगा नहीं, अंडरस्कोर शायद आ जाए, तो ये भी अंडरस्कोर भी नहीं आ रहा, ये वाला शायद आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। हम प्राइवेसी पॉलिसी फॉर योर वेबसाइट, तो ये वाला हमें अवेलेबल है, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। और सेव करने के बाद जैसे आपने यहाँ पर आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा, ब्लॉग क्रिएटर का अभी मैं इसको करता हूँ जी व्यू ब्लॉग, ठीक है। अभी मैंने इसको व्यू ब्लॉग किया, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा प्राइवेसी के नाम से एक बिल्कुल सिंपल सा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर आने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो मैंने स्क्रिप्ट दी हुई है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने क्या करना है इसको ओपन कर लेना फ्रेंड। ये वाली स्क्रिप्ट है आपको मिल जाएगी, आपने इसको ओपन करके ये वाला जो सारा कोड है आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कोड को कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपने आ जाना है थीम वाले सेक्शन में, और थीम वाले सेक्शन में आने के बाद फ्रेंड्स आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है
अगर आप एक नया थीम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो पहले वाला आपकी वेबसाइट के ऊपर डाटा पड़ा है तो क्या आप उसको ज़ाया करना चाहते हैं या आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं या जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ क्योंकि मेरा भी इसके ऊपर कुछ भी डाटा नहीं है, अगर आपका कोई डाटा वगैरह आपके ब्लॉग के ऊपर पड़ा है तो आप उसका बैकअप ले लें, उसका मैं बैकअप नहीं लेना चाहता। यहाँ मैं क्या करता हूँ, स्विच विदाउट आप बैकअप, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे क्या है कि माई थीम क्लासिक में आ चुका है एडिट HTML, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट टेक्स्ट है, ये वाला कोड आपने करना है सारा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी, यहाँ से कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको कंट्रोल ऑल्ट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जो नया कोड है वो वाला यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे सेव हो गया, अब मुझे क्या करना है, मैं इसी क्यों आके यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। इसको मैंने आपके सामने रिफ़्रेश कर दी, ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ और तरह से साइट बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है जिसको सबसे पहले हमने रिमूव करना है। यहाँ पर ऊपर हमें एक मतलब कि बार नज़र आ रही है, नेविगेशन पट्टी इसको कहते हैं, तो ये भी हमें नज़र आ रही है। अब क्या करना है, इसको हमने सबसे पहले तो रिमूव करना है, बाकी बाद में देखते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें चेंज नैव बार के ऊपर क्लिक करके ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा, ये नीचे ऑफ़ का ऑप्शन है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वो वाली पट्टी हट चुकी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये वाला टूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ जी अपनी वेबसाइट का नाम, तो डाल दिया, उसके बाद URL और उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये भी मैं डाल देता हूँ, और ये डालने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ ये जनरेट कोड, ये भी कोड हमें मिल चुका है। कॉपी कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ब्लॉगर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे पेजेस में क्लिक करके, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं न्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, HTML व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर नया कोड पेस्ट करके इसको मैं टाइटल भी नहीं रख रहा, इसको मैं पब्लिश करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और ये देखें जैसे ही पब्लिश हो गया, इसको मैं व्यू करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने व्यू को ऊपर क्लिक कर दिया, व्यू के ऊपर जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये क्या कहते हैं जी पे नॉट फाउंड, तो अभी इसमें कुछ मसला है। तो अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके देख लेते हैं जी इसको। तो इसमें इसको मैं ले आता हूँ कंपोज व्यू में, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी फॉर आने का, और इस तरह ये पेज बन चुका है। इसका मैं अभी कुछ टाइटल वगैरह भी डाल देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिसकी वजह से ये पब्लिश नहीं हो रही पोस्ट, ठीक है। तो इसको बाद में पब्लिश में कर दूँगा, पेज प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ इसका ये किस तरह का नज़र आएगा। अभी अब यहाँ पे देखें तो ये क्या कहता है, डज नॉट प्ले एड लास्ट पोस्ट वन पर, तो अभी इसके ऊपर पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, नया ब्लॉग है तो इसलिए वो इसको शो नहीं करवा रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि द ब्लॉग डज नॉट हैव एनी पोस्ट, प्लीज़ ऐड एट लास्ट वन पोस्ट, इसके ऊपर एक पोस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये प्रीव्यू वगैरह हमें पोस्टों को दिखाएगा। तो फ्रेंड इसका मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, इस तरह से ये नज़र आता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ, तो इसको जैसे आप पब्लिश करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आपने भी इस तरह की वेबसाइट बना लेनी है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।